इबलिस जिंदा हो चुका है। इबलिस कौन है? ये क्या लाइट में गई, इबलिस आ गया। गाइस ये क्या हो रहा है? नहीं पहुंचेगा इबलिस। अंकल जी क्यों पंगे ले रहे हो इबलिस से? वो भाई हातिम वर्सेस इबलिस हो गया है। तो मेरे को एक दो तीन चीज कंफ्यूजन जो है कमेंट करके बता देना कि अंकल जी कौन है और इबलिस क्यों आया है भाई अली बाबा को पकड़ने। So what's up everyone, welcome from Awesome Asi YouTube channel, मुझे सुनना ही नहीं है। कहा राधा कृष्ण का अली बाबा बिल्कुल अपोजिट ही नाम है। चलो चलो चलो। बट वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यार सुमेत का जो रोल है उम्मी एज हातिम, वो अली बाबा से मिल तो गया है पर अली बाबा के साथ वो मिलके करेगा क्या? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है। तो जल्दी से करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। एंड बाकी गाइस इफ यू आर न्यू टू चैनल देन नीचे जाके करके आ रहे हो भाई जल्दी सब्सक्राइब करो। मुझे सुनना ही नहीं है। और बताओ मम्मी तेरे को आज तो हम दोनों सब्सक्राइब के घंटे बने बैठे हैं। घंटे नहीं अजीब सा वर्ड लग रहा है। ये लोडा सब्सक्राइब के बटन बने बैठे हैं, लाल टमाटर बने बैठे हैं। भाई साहब ऐसे लाल टमाटर करते क्या हुआ? फोड़ देते हो ना सब्जी में डाल के, निचोड़ देते हो ना। एक बारी पियो कित बारी बारी मांगू की ऐसी। भाई सब्सक्राइब के बटन को निचोड़ दो, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड एंड उसमें पता चल जाएगा शायद सुमेध का एक्चुअल में रोल क्या है अलीबाबा वाले सीरियल में। वो भाई साहब एंड लगा तो इस रिएक्शन वीडियो को एंड लेट्स गो। अगर तुम मुझे लेकर नहीं आते तो शैतान को खत्म कर देता। नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते, ना तुम ना मैं ना कोई और। तुम्हें ये नहीं मालूम है कि आज सूरत हाल बदल चुका है। इबलिस जिंदा हो चुका है और इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर आज इसी की वजह से सारे शैतान इबलिस से जुड़ चुके हैं। अब जब तक इबलिस नहीं मरेगा कोई शैतान नहीं मरेगा। ली हिफाजत करना रोशनी, रोशनी नाम है, हिफाजत करना, हिफाजत करना। वो ये पापा कोई हमारे हिफाजती घेरे को तोड़ कर इस दुनिया में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। पापा पापा हमारी दुनिया के बारे में तो सिर्फ रोशनी और इबलिस को पता है और रोशनी इस समय इबलिस की कैद में। इसका मतलब ये है कि इबलिस इबलिस इसका मतलब है इबलिस को अली के बारे में मालूम पड़ चुका है। नहीं पहुंचेगा इबलिस क्योंकि हम इसे यहीं खत्म कर देंगे। नहीं फतेह पाली है हम यहाँ इस इबलिस का खात्मा कर देते हैं। तुम जिस सफर पर कल जाने वाले थे आज और अभी निकलो और अपने साथ अली और ताहिरा को भी ले जाओ पहले सवाल की दुनिया। इबलिस को अली तक पहुँचने से रोकने का बस यही एक रास्ता है हातिम। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। अपनी अम्मी की खातिर तुम जाओ। तुम्हें अम्मी की कसम, तुम्हें रोशनी की कसम, जाओ। तुम्हारी दुनिया में ऐसे जलजले रोज आते हैं? आज कुछ खास बात है? ऐसा मंजर तो मैं भी पहली बार ही देख रही हूँ। अब वही बता सकते हैं कि मसला क्या है? अली हमें सात सवालों के सफर पर अभी निकलना होगा। चलो ताहिरा। पर हम तो कल सुबह जाने वाले थे। हमारी बात सुनो, पहले सवाल का दरवाजा खुल चुका है, ये उसी का असर है। तुम वक्त और उसूलों के पक्के हो, फिर ये तब्दीली कैसी? क्या हुआ हातिम? कुछ नहीं हुआ है। जैसे तुम कुछ छुपा रहे हो। मैं कुछ नहीं छुपा रहा। मैं अब्बू से मिले बिना नहीं जाऊंगी। ताहिरा रुको, अली वहां लड़ाई करने में लगे होंगे। इबलिस की नजर अली पर नहीं पड़ने दे सकता मैं। कहां छुपे हो तुम? अपने मामू जान से बिना मुलाकात किए यहाँ चले आए? अली का मामा है इबलिस। तेरी अंकल जी इबलिस चले जाओ यहाँ से। शहंशाह शैतान हम हैं और हुक्म देने की हिमाकत तुम कर रहे हो। अंकल जी क्यों पंगे ले रहे हो इबलिस से? भाई कृष्ण जी को बुला रखा है अली को। जब कोई आया ही नहीं तो उसे
छुपाऊंगा कैसे? पकड़ लिया अंकल जी। हमने कहा तुम दोनों को हमारे साथ आना है तो आना होगा। पहले सवाल की दुनिया में तुम दोनों को जाना ही होगा इसी वक्त। तुम मुझे हर चीज करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मजबूर तुमने किया है अली। ताहिरा तुम्हें हम पर यकीन है? ताहिरा हम पर यकीन करो। जीते जी तो तुम मेरे किसी काम आ नहीं सके, मार के ही आ जाओ। इबलिस का खात्मा करना है तो पहले सातों सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। उससे वो जादुई चाबी मिलेगी जिससे उसका खात्मा मुमकिन है। ले अम्मी बहुत यकीन करती हैं तुम्हें। मुझे जो भी करना पड़े इबलिस के खात्मे के लिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। शो अच्छा है, अच्छा ओवर हो चुका है ये वाला एपिसोड भी। यहाँ पे जो जिसने मेरे को भेजा था, थैंक यू सो मच, आपने वाले रिएक्शन मेरे को भेजा, मजा आ गया इसमें। एंड थोड़ा बहुत क्लियर हो गया कि सुमेध का रोल अब क्या होने वाला है इस वाले शो में। तो भाई मतलब मजा ही आ गया, बहुत अच्छा लग रहा था। विलन भी तगड़ा है यार, बहुत अच्छा है। ये भाई भीष्म जी आ गए हैं भाई, ये काफी अच्छा एक्टिंग करे थे महाभारत वाले सीरियल में, लेकिन इसमें भी मतलब मेकअप वाइज और कितना अच्छा, मतलब गजब का वो किया हुआ है। और इनकी ट्यून भी आती थी, बहुत अच्छी नेगेटिव सी ट्यून है, तो उससे भाई अच्छा लग रहा है शो देखने में। बाकी वो अंकल जी तो मर गए शायद, वो सुमेर आई मीन हातिम के पापा ही है वो। और ये लड़की भी जो थी ना पिंक गाउन में, ये हातिम की बहन है पक्का, क्योंकि वो भी अब्बू कह रही थी, पापा कह रही थी, वो भी कह रही थी पापा को देख के बिना नहीं जाऊंगी मैं। पर जो अली है वो सेपरेट है कुछ, हाँ, वो अलग है, वो इनकी शहर में आ चुका है। एंड अब अली को पकड़ने शायद ये नेगेटिव रोल आया इबलिस, इबलिस जो है तो सब कुछ ना अली से ही कनेक्टेड है। पर अब अली की वजह से मम्मी सुमेर आई मीन हातिम के भी पापा की डेथ हो गई है। हो सकता है पापा है या क्या, बाबा देखो बाबा कह रहे हैं, किस उसमें बाबा कह रहे हो। अब बाबा ऐसे थोड़ी बोलते हैं, किसी अंकल को बाबा बोल देंगे, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। पर ये लड़की के तो पापा है, उसके तो है, लड़की के तो पापा है, ताहिरा के तो पापा ही है जो मर गए हैं। लेकिन अब शायद अली की वजह से मम्मी ये हातिम की भी लड़ाई बन चुकी है शायद से, क्योंकि उनके सामने उन अंकल जी की डेथ हो गई है और हातिम भी गुस्से में देख रहा था भाई। क्योंकि अब इबलिस को इनको खत्म करना है, तो वो कहते हैं ना, कह रहे थे ना कि सात हमारे को उनको जवाब, सात दरवाजे हैं, पता नहीं क्या जवाब है, कुछ तो बोल रहे थे, सात क्वेश्चन का जवाब देना है उस टाइप का था कुछ, और चाबी ढूंढनी है हमें ऐसी जिससे उसकी मौत हो जाए। अब वो चाबी ढूंढेंगे शायद नेक्स्ट एपिसोड, चाबियां ढूंढने में शायद ये लगेंगे, तो वो वाला रिएक्शन भी देखने में मजा ही आएगा। बट मम्मी देखा जाए तो आपको ओवरऑल कैसा लग रहा है अभी शो देखने में? फर्स्ट मैंने देखा बहुत अच्छा लगा, वो तो एंट्रेंस ही थी, लेकिन अब सेकंड देख रहे तो और मेरे को लग रहा है कि और एपिसोड में देखूं कि मतलब नेक्स्ट अब क्या होगा, क्या होगा। अच्छा शो लग रहा है, गाइस मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे को ही लगता था इतना अच्छा शो है अली बाबा ये वाला जो चल रहा है, मैं कभी भी नहीं देखा। जैसे अभी जितने भी कैरेक्टर दिखाए सारे अच्छे लग रहे, एक्टिंग अच्छी हो रही है मेरे हिसाब से ना, पता नहीं यार एक्टिंग क्यों अच्छे, क्या पता ये भीष्म जी की रोल हमें अच्छा लग रहा है, हातिम का रोल भी अच्छा लग रहा है, पर अली बाबा का भी रोल अच्छा है, सबका अच्छा रोल, अच्छे कैरेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं देख के, मजा आ रहा है देखने में। और क्या पता मम्मी अब ऐसा ना हो जाए, राधा कृष्ण भी हमने ऐसे अननोन वीडियो के थ्रू ही हम उनके फैन बने थे, क्या अब हम अली बाबा के फैन बन जाएंगे? भाई ऐसा कुछ भी नहीं पता, बट वो शो के एंड में होते होते हमें पता चल जाएगा कि हम भी फैन बने हैं या फिर हमने जस्ट रैंडमली रिएक्शंस इस वीडियो का देखे हैं। तो मम्मी देख के मजा तो आ रहा है ना, बहुत मजा आ रहा है सच में गाइस, मेरे को बहुत ज्यादा आ रहा है। आपको कैसा लगा? एंड मेरे को एक दो तीन चीज कंफ्यूजन जो एक बार कमेंट करके बता देना कि अंकल जी कौन है और इबलिस क्यों आया है भाई अली बाबा को पकड़ने, और हातिम की ये जो लड़की है ताहिरा, हातिम की बहन है या कौन है, एक बार मेरे को प्लीज कमेंट करके बताना, क्योंकि अम्मी को जो कैद किया हुआ है वो किस वजह से, और ये अम्मी को कैद क्यों करा हुआ है, जो हातिम और अली बाबा के लॉकेट में है फोटो दोनों की, तो वो दोनों भाई तो हुए शायद से, हो सकता है दोनों भाई हो, भाई। क्या सस्पेंस है वो हमें अभी ये कुछ नहीं पता। इन सबको शायद पता है जो स्टार्टिंग से शो फॉलो कर रहे हैं यार। मैं तो अभी से ही देखे, दो वीडियोस ही देखे मैंने आज तक भी अली बाबा के शो की, अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियोस में क्या हम देखने वाले हैं। सो गाइस कमेंट करके जल्दी से मेरे को बता देना, ऐसे कलर का नीचे बटन होता है लाल कलर का, भाई कर क्या रहे हो, छोड़ दो भाई साहब, वरना अली बाबा वाली रहूंगा कुछ ना कुछ जादू वादू वाली चीज में। तो जल्दी से करते हैं इस वीडियो को एंड, एंड मिलता हूँ आप सबको मैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड विद दैट सेड एज ऑलवेज यू नो इट गाइस, यल्ला।